हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के अकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि पीएम मोदी लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन वडोदरा, गुजरात। देखो, न्यूज़ क्या है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन वडोदरा, गुजरात, विच विल बी सेटअप बाई द इंडियाज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड द स्पेन्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। बराबर ना? देखो, अभी एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात के अंदर। और ये मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? तो दो कंपनी साथ में मिलके, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस। एयरबस कहाँ की कंपनी है? स्पेन की कंपनी है। बराबर ना? राइट। तो ये दोनों कंपनी साथ में मिलके ये एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बराबर ना? राइट। और ये जो हम C-295 एयरक्राफ्ट जो यूज़ करेंगे, वो हम रिप्लेस करेंगे किसको? एवरो 748। अभी तक हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए कौन सा प्लेन यूज़ कर रहे थे? एवरो 748। आपका जस्ट होमवर्क रहेगा कि ये एवरो 748 जो एयरक्राफ्ट है, वो हम कहाँ से इंपोर्ट करवाते थे। बराबर ना? तो उसको रिप्लेस करके C-295 हम यूज़ करने वाले हैं। C-295 कौन बनाने वाला है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस। एयरबस कहाँ की कंपनी है? स्पेन की कंपनी है। बराबर ना? राइट। और ये C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो हम इंडिया, मतलब इंडिया 35th कंट्री है जो इसका यूज़ करेगी। बराबर ना? इंडिया 35th कंट्री है जो इसका यूज़ करेगी। सिंपल। बराबर ना? अगर मैं C-295 एयरक्राफ्ट की फ़ीचर्स के बारे में बात करूं, तो उसकी जो कैपेसिटी है 5 से 10 टन की है। इट इज़ यूज्ड फॉर द टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ अप टू 71 पैसेंजर्स और 50 पैराट्रूपर्स एंड फॉर द लॉजिस्टिक ऑपरेशंस टू द लोकेशंस दैट आर नॉट एक्सेसिबल टू द करंट हैवियर एयरक्राफ्ट। जो करंट हैवियर एयरक्राफ्ट है जो इसकी कैटेगरी के हैं, पर 5 से 10 टन वाले, तो वो जहाँ पे नहीं जा सकता है वो यहाँ पे जा सकता है। तो ऐसे ऐसे लोकेशन पर लॉजिस्टिक ऑपरेशन करने के लिए, उसके अलावा वो पैसेंजर्स को भी कैरी कर सकता है। उसकी मैक्सिमम सीट स्पीड है 480 किलोमीटर पर आवर। बराबर ना? 480 किलोमीटर पर आवर। राइट। और अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ, तो टोटल 56 एयरक्राफ्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। बराबर ना? मतलब TASL और एयरबस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टोटल 56 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया है। बराबर ना? एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट 2015 के अंदर किया गया था। इसमें से 16 एयरक्राफ्ट सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2025 तक, बराबर ना, स्पेन से ही बन के आए गए। बराबर ना? जो एयरबस की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्पेन के अंदर, वहीं से बन के यहाँ पर आए गए 16 एयरक्राफ्ट 2025 तक। और बाकी के 40 एयरक्राफ्ट है ना, वो इंडिया के अंदर बनेंगे। ये तब तक, ये जब 2025 एंड तक ये प्लांट एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब 2026 से लेके 2031 तक बाकी के 40 एयरक्राफ्ट ये TASL और एयरबस साथ में मिलके वडोदरा की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर ही बनाएंगे। बराबर ना? राइट। उसके अलावा जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सीट यूज़ हुआ है ये प्लेन्स के अंदर, ये एयरक्राफ्ट के अंदर, वो कौन बना रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड साथ में मिलकर बना रहा है। टोटल 56 एयरक्राफ्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सीट यूज़ होने वाला है, बराबर, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड साथ में मिलकर बना रहे हैं। बराबर ना? जैसे मैंने आपसे बात किया कि टोटल ये 56 एयरक्राफ्ट बनाने की जो बात चल रही थी, बराबर ना, तो वो 56 एयरक्राफ्ट 2015 के अंदर एग्रीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये टाटा एडवांस सर्विसेज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के साथ। कितने करोड़ का? 21,935 करोड़ का। बराबर ना? 2015 के अंदर, और उसी एग्रीमेंट के अंदर में ये एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं। बराबर ना? अगर मैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करूँ,
तो इट इज़ अ होनली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स एंड स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस एंड डिफेंस आर्म ऑफ टाटा ग्रुप, बराबर ना। उसके चेयरमैन है विजय सिंह, उसके एमडी एंड सीईओ है सुकरण सिंह, और उसके हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, बराबर ना। तो जस्ट सिंपल, तो देखो इस न्यूज़ के अंदर क्या याद रखना था आपको, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अभी पीएम मोदी ने जो C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पे किया है, वो कहाँ पे किया है, कौन सी दो कंपनी साथ में मिलकर यहाँ पे प्लांट एस्टेब्लिश कर रही है, पता मतलब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस, जो कहाँ की कंपनी है, स्पेन की कंपनी है, राइट। फिर C-295 एयरक्राफ्ट के आपको कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कौन से पर्पस के लिए बनाया गया है, वो जस्ट आपको एक बार देख लेना है, बराबर। उसके अलावा यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये दोनों कंपनी के साथ, वो 2015 के अंदर हुआ था और कितने करोड़ का हुआ था, बराबर ना। टोटल कितने एयरक्राफ्ट क्या कॉन्टैक्ट हुआ है, 56, उसमें से 16 स्पेन से आने वाले हैं और 40 हम मेड इन इंडिया बनाएंगे 2026 से लेकर 2031 तक, बराबर ना। तो इतनी चीज़ें आपको इस न्यूज़ के अंदर याद रखनी है, सिंपल, बराबर ना। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि डिफेंस एक्सपो 2022 हुआ था, कहाँ पे, ये 12th एडिशन हुआ था ऑफ द डिफेंस एक्सपो जो गांधीनगर के अंदर हुआ था, तो उसके बारे में बात करते हैं। नहीं तो डिफेंस एक्सपो जो अभी रिसेंटली गांधीनगर के अंदर हुआ था, और वो कौन सा एडिशन था फ्रेंड्स, 12th एडिशन, तो वहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए। सबसे पहले अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो रक्षा मंत्री अवार्ड्स फॉर द एक्सेलेंस इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर फॉर द ईयर 2021-22 ये किसको दिया गया है, डेटा पैटर्न सर्विसेज लिमिटेड को दिया गया है, बराबर ना। कि रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर ये अवार्ड किसको दिया गया है, डेटा पैटर्न्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है उसको दिया गया है, बराबर ना। ये अगर मैं डेटा पैटर्न्स लिमिटेड की बात करूँ तो डेटा पैटर्न्स लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, बराबर ना। वो क्या प्रोवाइड करती है, डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रोवाइड करती है, बराबर। उसको ये रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस 2021-22 के लिए दिया गया है, बराबर ना, बराबर का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, बराबर ना। तो वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। उसके अलावा टोटल 22 अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर, हम उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। देयर वर अ टोटल ऑफ 22 अवार्ड्स गिवन इन द वेराइटी ऑफ द कैटेगरीज इंक्लूडिंग द इंडिजिनाइजेशन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड एक्सपोर्ट्स, बराबर। अलग अलग कैटेगरी के अंदर टोटल 22 अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड है रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर, वो डेटा पैटर्न्स लिमिटेड को दिया गया है, बराबर ना, राइट। तो ये टोटल 22 अवार्ड्स दिए गए, उसमें से 13 प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मिला है और बाकी के डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मिला है, बराबर ना। तो ये आपको दरअसल याद रखना है। उसके अलावा मिनिस्ट्री जो ये डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से अभी तक कितना रेवेन्यू हुआ है, टर्नओवर हुआ है 80,000 करोड़, लेकिन मैंने आपको जस्ट बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टारगेट रखा है कि डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर से 2025 के एंड तक 1.75 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, बराबर ना। अभी तक 80,000 करोड़ का हुआ है, लेकिन 2025 के एंड तक कितना होगा, 1.75 लाख करोड़ होगा, बराबर ना। जस्ट इतना आपको याद रखना है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कौन कौन से मेजर्स का अनाउंसमेंट किया ये डिफेंस एक्सपो के दौरान, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले एक पोर्टल है सृजन, एक वन स्टॉप पोर्टल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द डिफेंस इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट बाय द सर्विसेज वॉज लॉन्च, बराबर ना। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को या तो फिर इंडियन आर्मी को कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ये सृजन पोर्टल के ऊपर वो रिक्वायरमेंट डाल सकता है। उसके अलावा मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति ये भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो स्टार्टेड टू इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द डिफेंस सेक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल कोई अभी कोई डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई इक्विपमेंट का इनोवेशन करना चाहता है, इक्विपमेंट बनाना चाहता है, राइट, लेकिन उसके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, बराबर ना। तो वो क्या कर सकता है कि जिसके पास, जिसने डिफेंस सेक्टर के अंदर सालों से काम किया, प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसके पास, तो उसके पास से वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉलेज लेना चाहता है और जो नॉलेज देना चाहता है, बराबर ना, दोनों साथ में
एक पोर्टल पे मिल सके, इसके लिए पोर्टल बनाया है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, बराबर ना, राइट, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, सिंपल, बराबर ना, ओके। उसके अलावा लास्ट ईयर से हर साल, बराबर ना, मतलब ये सेकंड एडिशन था, डिफेंस एक्सपो की साइडलाइन के अंदर एक मिनिस्टर्स मीटिंग होती है। कौन सी मिनिस्टर्स मीटिंग होती है? इंडियन ओशन रीजन की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है, बराबर ना, इंडियन ओशन रीजन के जो डिफेंस मिनिस्टर्स है उसकी मीटिंग होती है डिफेंस एक्सपो के साइडलाइन के अंदर, बराबर ना, हर साल। ये सेकंड एडिशन था। और ये जो इंडियन ओशन रीजन की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उसमें हमारी तरफ से राजनाथ सिंह इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, बराबर ना। और ये मीटिंग की थीम क्या थी? चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज एंड कोलाब्रेशन इन द इंडियन ओशन, बराबर ना, तो ये उसकी थीम थी, बराबर ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी मीटिंग होती है डिफेंस एक्सपो के दौरान, तो इंडियन ओशन रीजन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। आपको जस्ट पता करना है इंडियन ओशन रीजन के अंदर कितनी कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। और ये मीटिंग की थीम क्या रखी गई थी, बराबर ना, सिंपल। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है कि एक नया रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर द फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के लिए, बराबर ना। क्या आप सभी को पता है कि अभी कोई फिजिकल वॉर नहीं हो रहा है, अभी कोई बहुत ही कम होते हैं बॉम्बारी वगैरह वगैरह, अभी जो वॉर होते हैं वो साइबर अटैक होते हैं। तो ऐसी साइबर अटैक से बचने के लिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी चाहिए डिफेंस के अंदर, तो उसके लिए रिसर्च सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। और वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है? IIT रुड़की के अंदर। और इस रिसर्च सेंटर का नाम क्या रखा जाएगा? तो DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ द एक्सेलेंस, ये नाम रखा जाएगा, बराबर ना, कहाँ पे? IIT रुड़की के अंदर, रिसर्च सेंटर फॉर द फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, बराबर ना, सिंपल। और एक बिग अनाउंसमेंट किया गया था कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन सिम्युलेटर वो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? IG ड्रोन के द्वारा। उसके बारे में बात करते हैं कि अभी रिसेंटली IG ड्रोन एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है अनवील किया है इंडिया का फर्स्ट एवर इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन सिम्युलेटर एट द डिफेंस एक्सपो इन 2022। देखो फ्रेंड्स, एक ड्रोन सिम्युलेटर क्या होते हैं, तो आपको भी पता है कि भाई ड्रोन का यूज़ कहाँ पे होता है, कि जहाँ पे ऐसे ह्यूमन हम जा नहीं सकते बार बार फ्रीक्वेंटली फॉर द सर्वेलेंस पर्पज़ के लिए, तब हम यहाँ पे ड्रोन का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये ड्रोन को लेकिन चलाते कौन है? तो पायलट, वो ग्राउंड लेवल पे उनको ऑपरेट करते हैं, बराबर ना। तो ये पायलट कैसे और ड्रोन का ऑपरेटिंग करते हैं, बराबर? तो ये ड्रोन के अंदर कैमरास वगैरह लगे होते हैं, तो जो चीज़ कैमरा के कैप्चरिंग में आएगी, बराबर ना, तो वो पायलट देख पाएगा, लेकिन जो उसके कैप्चर में नहीं आएगा तो वो कैसे देख पाएगा? तो ड्रोन के आसपास कुछ सेंसर जैसा लगा होता है जिसको हम सिम्युलेटर्स बोलते हैं, बराबर ना। तो ये सिम्युलेटर्स अभी तक हम इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड सिम्युलेटर ड्रोन सिम्युलेटर अभी किसने डेवलप किया है? IG ड्रोन के द्वारा। तो ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको डिफेंस एक्सपो के अंदर समझ में आया होगा। जस्ट आपको याद रखना है कि भाई रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर किसको मिला, ओके, कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं, ओके। उसके अलावा हमने बात की कि भाई ये जो इंडिया का पहला इंडिया से डेवलप्ड ड्रोन सिम्युलेटर किसके द्वारा बनाया गया है, बराबर ना। उसके अलावा रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, बराबर ना, कहाँ पे? तो IIT रुड़की के अंदर, बराबर। तो ये तीन चार क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, बराबर ना, ओके। और उसके अलावा कौन सी मीटिंग होती है? तो इंडियन ओशन रीजन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, बराबर ना, ओके। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 13 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरेटरीज ने MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर द अपग्रेडेशन टू द प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स। अब ये PM श्री स्कूल्स क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद ये न्यूज़ क्या है उसके बारे में देखते हैं, बराबर ना। तो अगर मैं PM श्री स्कीम के बारे में बात करूं, तो PM श्री इज अ स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मोर देन 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द इंडिया टूवर्ड्स अ क्वालिटी एजुकेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बराबर ना। तो ये PM श्री स्कूल, ये जो PM श्री स्कीम है वो किसके द्वारा इनिशिएट की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। कितनी स्कूल्स को डेवलप करना है? 14,500 स्कूल को डेवलप करना है।
फॉर द क्वालिटी एजुकेशन एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बराबर ना, अगर मैं एक सीधी भाषा में बात करूँ तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने डिज़ाइन की है 2020 के अंदर, उसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 14,500 स्कूल्स को डेवलप करना है, ये टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। बराबर ना, उसके लिए एक्चुअली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बराबर ना, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि भाई जो अलोकेशन होता है उसमें से कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और कुछ परसेंट रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट देता है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर क्या होता है, सारा पैसा कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। बराबर ना, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। टोटली 14,500 स्कूल्स को डेवलप करने के लिए 27,360 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें से 18,128 करोड़ कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर ना, राइट। तो ये 5 साल का ये स्कीम है। बराबर, 2022 से लेकर 2026-27 तक 14,500 स्कूल्स को डेवलप करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बराबर ना, 27,360 करोड़ रुपया अलोकेशन किया गया है। बराबर ना, तो अभी ये जो 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उसने भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये जो प्रोग्राम है PM श्री स्कूल, बराबर ना, जिसका मेन मोटिव है कि अलग अलग रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स काम कर रही है, बराबर ना, तो उसको डेवलप करना, तो इसके लिए 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने और 3 यूनियन टेरिटरीज ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ पार्टनरशिप की है। उनके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के जो मतलब जो रिस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको डेवलप करने के लिए, बराबर ना, उसी स्कीम के अंडर में। बराबर, उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर में जितने भी केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय समिति के अंडर में जितने भी नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय क्या होती है, आपने सुपर 30 मूवी देखा होगा जहाँ पे जो पुअर फैमिली है वहाँ से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको फ्री में पढ़ा के IIT के अंदर एडमिशन दिया जाता है, राइट। उसी तरीके से नवोदय विद्यालय के अंदर जो पुअर फैमिली है अगर उसमें कोई टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं तो उनको कम फीस के अंदर पढ़ाया जाता है, सिंपल। बराबर ना, तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और 13 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, बराबर ना, उसको डेवलप करने के लिए अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ पार्टनरशिप की है। जस्ट इतनी न्यूज़ है। बराबर ना, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा PM श्री स्कूल योजना क्या है, कौन सी स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, उसका मोटिव क्या है और इसके ये पार्टनरशिप क्यों हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 7th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज हुआ है और उसके अंदर किसने टाइटल जीता है, स्पेन ने, और किसको हरा है, कोलंबिया को। अभी हम ये इवेंट के बारे में बात करते हैं कि अभी रिसेंटली 7th एडिशन ऑफ द फीफा, फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का 7th एडिशन अभी होस्ट किया गया था, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, और कहाँ पे, तो 3 सिटीज़ के अंदर, भुवनेश्वर जो ओडिशा के अंदर है, कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पे, फिर मरगांव जो गोवा के अंदर है वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, और नवी मुंबई महाराष्ट्र जहाँ पे DY पाटिल स्टेडियम है। तो ये 3 स्टेडियम के अंदर ये फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो 7th एडिशन था वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, राइट। और ये इंडिया के अंदर दूसरी बार फीफा के द्वारा कोई वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। 2017 के अंदर भी एक बार इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था फीफा वर्ल्ड कप को, तब अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था और उसी अभी इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है, राइट। तो इंडिया ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किए हैं, बराबर, एक बार मेंस और एक बार वुमेन्स, लेकिन अंडर 17, बराबर ना, राइट। तो ये टूर्नामेंट को जीता किसने, तो कि स्पेन ने जीता और कोलंबिया को उसने लास्ट फाइनल मैच में हराया, बराबर ना, राइट। और स्पेन बिकम द ओनली द सेकेंड टीम आफ्टर द नॉर्थ कोरिया टू विन द टाइटल ट्वाइस, मतलब ये फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वर्ल्ड कप जीतने वाली वुमेन्स कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो स्पेन दूसरी बार टाइटल जीती है, तो ये सेकेंड टीम बनी है आफ्टर नॉर्थ कोरिया टू विन द टाइटल ट्वाइस, बराबर ना, राइट। right.
अगर मैं मैस्कॉट की बात करूं, क्योंकि इंडिया के अंदर ये आयोजित किया गया था, इसके लिए ये फीफा वर्ल्ड कप का मैस्कॉट क्या रखा गया था, बराबर ना, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मैस्कॉट क्या रखा गया था, ईपा। ईपा का मतलब है एन एशियाटिक लाइनेस। एशियाटिक लाइनेस को क्या बोलते हैं, ईपा। क्या, हालांकि वो ये वुमेन्स वर्ल्ड कप है, इसलिए यहाँ पे इन लोगों को इंकरेज करने के लिए ये पूरे टूर्नामेंट का मैस्कॉट क्या रखा, ईपा। और ईबा का मतलब क्या होता है, एशियाटिक लाइनेस, बराबर ना, राइट। और स्लोगन क्या रखा गया था, किक ऑफ द ड्रीम। किक ऑफ द ड्रीम, ये उसका स्लोगन रखा गया था पूरे टूर्नामेंट का, राइट। और पूरी टूर्नामेंट को कितने करोड़ के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, 60 करोड़। 60 करोड़ का यहाँ पे बजट रखा गया था, बराबर ना। और 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना, 16 टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया, राइट। अगर मैं फीफा वर्ल्ड कप, ये अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करूँ, तो ये बाइनियल वर्ल्ड चैंपियनशिप है। वो हर एक इवन ईयर के अंदर वो ऑर्गेनाइज होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी यार 2022 के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ, अभी नेक्स्ट 2024 के अंदर ऑर्गेनाइज होगा, बराबर ना। 2008 से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, बराबर ना। और 6th एडिशन 7th एडिशन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन जो 6th एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, उरुग्वे के अंदर। और किसने जीता था, वो स्पेन ने ही जीता था, बराबर ना, राइट। जैसे मैंने आपको बात की कि भाई इट वॉज़ द सेकेंड टाइम दैट इंडिया होस्टेड द फीफा टूर्नामेंट, बराबर, आफ्टर द मेंस 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, बराबर। हमने 2017 के अंदर मेंस का अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट किया था फीफा का, और इस बार हम वुमेंस का होल्ड कर रहे हैं, बराबर ना। उसके अलावा यहाँ पे इस इवेंट के दौरान एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, फुटबॉल फॉर द स्कूल प्रोग्राम। फुटबॉल फॉर द स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कहाँ पे, न्यू मुंबई के अंदर, बराबर ना, नवी मुंबई के अंदर। अभी ये फुटबॉल फॉर द स्कूल प्रोग्राम एक्चुअली फीफा का और यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है, फीफा और यूनेस्को। फुटबॉल फॉर द स्कूल प्रोग्राम वो फीफा और यूनेस्को का इनिशिएटिव है। और यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स को, बराबर ना, वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए, उनको रुचि पैदा करने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फीफा और यूनेस्को के द्वारा। तो ये प्रोग्राम इंडिया के अंदर भी लाने के लिए फीफा ने पार्टनरशिप की ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ताकि उनका जो फुटबॉल फॉर द स्कूल प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर भी वो रन करवा सके, और इंडिया के स्टूडेंट्स के अंदर भी इंटरेस्ट जगा सके इन द फील्ड ऑफ द फुटबॉल, बराबर ना। और एक सर्वे बता रहा है कि अगर हम क्रिकेट के बाद सबसे बड़ा जो फेमस स्पोर्ट्स है, बराबर ना, इंडिया के अंदर, वो फुटबॉल है। लेकिन हम फुटबॉल के अंदर इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर ना, फॉर द फुटबॉल, राइट। इसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, सिंपल, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी उद्घाटन किया है नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा के अंदर। अभी डेटा सेंटर की बात करें तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च की है 2021 के अंदर। 2021 के अंदर एक डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च की गई, हम उसके बारे में पहले बात करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2021 के अंदर ही डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च की है, बराबर ना। डेटा सेंटर पॉलिसी के अंदर हमको 4 डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करने हैं, राइट। और उसके अंदर, इसके लिए 15,950 करोड़ का भी, उससे भी ज़्यादा टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, बराबर ना। तो 4 डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करने हैं ये डेटा सेंटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और ये डेटा सेंटर क्यों एस्टेब्लिश करने हैं, तो उसके मैं कुछ आपको फैक्ट भी बताता हूँ कि अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया के अंदर मोबाइल फ़ोन्स कितने हैं, 1.5 बिलियन। इंटरनेट यूज़र्स कितने हैं, 650 मिलियन। और अगर मैं बात करूं, अगर पूरी दुनिया का जो डेटा कंज्यूम हो रहा है उसमें 20% डेटा कौन, अकेला इंडिया कंज्यूम कर रहा है, राइट। लेकिन इंडिया की जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो ओनली 2% है। तो ये डेटा स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे डेटा सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। 4 डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और इसके लिए डेटा सेंटर पॉलिसी भी 2021 के अंदर लॉन्च की गई थी, बराबर ना। तो उसमें से पहला डेटा सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये फर्स्ट डेटा सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ग्रेटर नोएडा के अंदर। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, योटा इंफ्राइटर सॉल्यूशन, इस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। उस डेटा सेंटर का नाम क्या है, योटा D1, योटा D1 उसका नाम है, राइट।
अगर मैं इस डेटा सेंटर के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो ये डेटा सेंटर क्या करेगा, तो डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू द ऑल द मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, विल बी अवेलेबल फ्रॉम द एक्सक्लूसिव यूटा D1 डेटा सेंटर वाया 4 डिफरेंट रूट्स, बराबर ना। मतलब ये डेटा सेंटर के माध्यम से हर एक जो मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर है उसको डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी मिलेगी, मतलब जो नेट कनेक्टिविटी होगी वो और फास्टर होगी, बराबर ना। मेनी अदर सर्विसेज सच एज द पब्लिक क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी, ये भी ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, बराबर ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जो साइबर अटैक के ज़माने के अंदर, बराबर ना। तो डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी टू द ऑल द मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी, तो ये सर्विसेज वो डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो हमारी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी वो बढ़ेगी, इसके लिए मेनली डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च की गई 2021 के अंदर, और उसी के अंदर में 4 डेटा सेंटर्स बनाने हैं हमको, उसमें से पहला बनाया है बराबर ग्रेटर नोएडा के अंदर, सिंपल बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी ने विजिट किया था गुजरात और राजस्थान को, तो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए थे, मतलब उसमें से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मनगढ़ धाम इन राजस्थान डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट, बराबर। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो गुजरात के अंदर जो जब उन्होंने वडोदरा के अंदर जब विजिट की, तब तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वडोदरा के अंदर। तो ये उन्होंने गुजरात के अंदर ही मेन एक्टिविटी की है, मेन अनाउंसमेंट था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं राजस्थान की विजिट के बारे में बात करूं तो मनगढ़ धाम डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट ऑन द 1 नवंबर 2022, राइट। ही विजिटेड द राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वेयर ही अटेंड द पब्लिक प्रोग्राम मनगढ़ धाम की गौरव गाथा, मनगढ़ गाम धाम की गौरव गाथा एट मनगढ़ हिल बांसवाड़ा राजस्थान टू पे द होमेज टू द सेक्रीफाइस ऑफ द अनसंग ट्राइबल हीरोज एंड मार्टिर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो फ्रेंड्स, राजस्थान के अंदर एक बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मनगढ़ हिल है, वहाँ पे भील कम्युनिटी रहती है, और एक ट्राइबल कम्युनिटी है। जब ब्रिटिश मतलब ये जो हिंद छोड़ो की जो हमारी मूवमेंट चल रही थी, तब उन लोगों ने भी इस मनगढ़ हिल के ऊपर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। लगभग 1.5 लाख भील कम्युनिटी यहाँ पे शामिल हुई थी, और ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर फायरिंग करके उस टाइम 1500 लोगों को एक ही साथ मार दिया था। तो उस मैसेकर को यहाँ पे याद किया जा रहा है, और उसी को याद करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मनगढ़ धाम की गौरव गाथा। और इसी इवेंट के दौरान बराबर ना पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया, मनगढ़ धाम को डिक्लेयर किया कि वही वो अभी नेशनल मॉन्यूमेंट है, मतलब नेशनली इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया, बराबर ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई मनगढ़ धाम कहाँ पे बिलोंग करता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, क्या उसकी हिस्ट्री है, बराबर ना। और ये जो लोग भील कम्युनिटी ने जो प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के सामने, और उनके उस टाइम पे लीडर कौन थे, तो श्री गोविंद गुरु, श्री गोविंद गुरु। तो पीएम मोदी जी ने उनको भी होमेज देते हुए टू भील फ्रीडम फाइटर श्री गोविंद गुरु एंड ऑल्सो एड्रेस अ गैदरिंग ऑफ द भील आदिवासीज एंड अदर ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, बराबर ना। तो उनके लीडर थे श्री गोविंद गुरु, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये मनगढ़ हिल के इम्पोर्टेंस के बारे में आपको लिखा है कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल भील्स एंड अदर ट्राइबल्स एंगेज इन द लॉन्ग स्टैंडअप विद द ब्रिटिश एज अ मोर देन 1.5 लाख भील्स रैलीड एट द मनगढ़ हिल ऑन 17 नवंबर 1913 अंडर द लीडरशिप ऑफ द श्री गोविंद गुरु। ब्रिटिशर्स ओपन फायर इट इज गैदरिंग लीडिंग टू द मनगढ़ मैसेकर वेयर अप्रोक्सीमेटली 1500 ट्राइबल्स वेयर मार्टेड, बराबर ना। तो ये बहुत ही खतरनाक खौफनाक एक इवेंट हुआ था, बराबर। तो वो यहाँ पे उनकी फ्रीडम स्ट्रगल को याद करते हुए बराबर ना ये मनगढ़ धाम को नेशनल मॉन्यूमेंट अनाउंस किया गया है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द स्टेट यूनियन टेरिटरीज फॉर द ईयर 2020-2021, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं। द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर द 2020-21 एक स्पेशल इंडेक्स फॉर द एविडेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वॉज रिलीज बाई द डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
देखो सबसे पहले तो इस पैराग्राफ के अंदर आपके लिए दो क्वेश्चन है कि भाई परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स वो फॉर द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ये जो लॉन्च किया जाता है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के द्वारा, और वो कौन से ये डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में, बराबर ना। ये जो इंडेक्स है वो क्या दिखाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिखाता है कि भाई अलग अलग स्टेट और यूनिटी के अंदर स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, उनकी पॉलिसीज़ वगैरह कैसे चल रही हैं, ये इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स, बराबर ना। राइट, अगर मैं परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स की बात करूँ तो ये डेवलप किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, राइट। अभी तक इसके तीन एडिशन आए हैं, एक सबसे पहले 2017-18 के अंदर, फिर 2019-20 के अंदर, और अभी ये 2020-21 का एडिशन आया है, बराबर ना। यहाँ पे स्टेट्स और यूनिटरीज को टोटल 1000 पॉइंट में से स्कोर दिया जाता है, और उसके लिए टोटल 5 डोमेन्स के अंदर उनका इवोल्यूशन किया जाता है। कौन से 5 डोमेन्स, तो लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस मतलब जो आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसका आउटकम कैसा है, कितने लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, इक्विटी मतलब एजुकेशन के अंदर आप जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कितना फोकस कर रहे हो, और गवर्नेंस प्रोसेस। तो ये 5 डोमेन के अंदर स्टेट्स और यूनिटरीज को यहाँ पे इवोल्व किया जाता है, और ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ द 1000। तो यहाँ पे ये जो स्कोर दिया जाता है 1000 में से, बराबर ना, तो उसमें स्टेट्स को अलग अलग 10 लेवल के अंदर डिवाइड किया गया है। द हाइएस्ट अचीवेबल ग्रेड इज लेवल 1, विच इज़ फॉर द स्टेट यूनियन टेरिटरीज, जो जिन्होंने स्कोर किया है मोर देन 950, जिन्होंने 950 से ज़्यादा स्कोर किया है उनको लेवल 1 दिया गया है, और जिन्होंने 551 से कम स्कोर किया है उनको लेवल 10 के अंदर शामिल किया गया है, राइट। तो 2020-21 की इस एडिशन के अंदर 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, अचीव द लेवल 2, मतलब 901 से 950 के बीच में उनका स्कोर आया है 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, और लेवल 1 तो कोई भी अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन लेवल 2 के अंदर 7 स्टेट्स आए हैं, बराबर ना। 2017-18 और 2019-20 की अगर बात करें तो 2017-18 में तो लेवल 2 में भी कोई नहीं था, 2019-20 के अंदर 4 स्टेट्स है और इस बार 7 है। तो कौन से 3 पहली बार आए हैं, तो गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, वो पहली बार लेवल 2 के अंदर इस बार आए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट किसके द्वारा हुआ है, लद्दाख के द्वारा। लद्दाख जो पिछले असेसमेंट के अंदर लेवल 8 के अंदर था वो अभी इस बार लेवल 4 के अंदर आया है, राइट। तो लद्दाख के अंदर सबसे बेस्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो इनमें मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, और डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, बराबर, ये 2 डिपार्टमेंट है उसके अंदर, और इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स के, अभी रिसेंटली यूएस की एक कंपनी है न्यूज़ एंड वर्ल्ड, उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है बेस्ट कंट्रीज़ 2022, इस रिपोर्ट का नाम है, और उसके अंदर इंडिया का रैंक कौन सा आया है, 31st, और ग्लोबली इंडिया हैज़ द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो अभी इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स ओवरऑल बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग, इंडिया हैज़ बैग द 31st रैंक अमंग द 85 कंट्री। टोटल 85 कंट्री का सर्वे किया गया है, उसमें इंडिया का रैंक कौन सा आया है, 31st। स्विट्जरलैंड हैज़ टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय द जर्मनी एंड कैनेडा, फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे जर्मनी, थर्ड नंबर पे कैनेडा है। बेस्ट कंट्रीज़ कौन लॉन्च करता है, न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। बेस्ट कंट्रीज 2022 इज़ अ 7th एडिशन ऑफ द एनालिसिस विच इज़ रिलीज बाय द यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, राइट। इंडिया हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ द नेशंस विद द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय द ग्लोबल सर्वे रिस्पोंडेंट्स फॉलोड बाय द चाइना एंड वियतनाम। अगर मैं बात करूँ तो एक कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरी के अंदर ये यहाँ पे अलग अलग कंट्री का इवोल्यूशन किया जाता है, उसमें से एक कैटेगरी है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बराबर ना। तो इंडिया इस कैटेगरी के अंदर टॉप पे आया है, तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे चीपेस्ट है, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे वियतनाम है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, बराबर ना। और ये जो फैक्टर है चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ओपन फॉर द बिजनेस सब रैंकिंग के अंदर में आता है, बराबर ना। ये सब कैटेगरी है चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सब कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी के अंदर,
ओपन फॉर द बिजनेस सब रैंकिंग के अंदर, बराबर ना। ओके, के अंडर द ओपन फॉर द बिजनेस सब रैंकिंग इंडिया स्कोर 100% इन द चीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बट स्कोर ओनली 16.2 अंडर द फेवरेबल टैक्स एनवायरमेंट, 18.1 इन द नॉट करप्ट कैटेगरी एंड 3.5 इन द ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, बराबर ना। आपको स्कोर याद नहीं रखना है, लेकिन हमको जैसे इतना याद रखना है कि भाई हमने इस सेक्टर के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। उसके अलावा अगर मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ कैटेगरी के सब कैटेगरी की बात करूँ, तो इनकम इक्वालिटी के अंदर 1.9, सेफ कैटेगरी 4.3, वेल डेवलप पब्लिक हेल्थ सिस्टम 2.3 एंड इकोनॉमिकली स्टेबल सब पैरामीटर जो है वो 9.9, बराबर। तो यहाँ पे भी हमने कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने टेबल में आपको दिया है कि भाई ओवरऑल रैंकिंग के अंदर इंडिया 31st नंबर पे है, टॉप नंबर पे स्विट्जरलैंड, सेकंड जर्मनी, थर्ड कनाडा, फोर्थ यूएसए और फिफ्थ स्वीडन, बराबर ना। और अगर मैं सबसे पुअर मतलब सबसे ख़राब परफॉर्मेंस जिसने किया है वो बेलरूस, 85th नंबर पे है, बिकम द लोएस्ट रैंक कंट्री ऑन द लिस्ट, वेल उज्बेकिस्तान एंड ईरान रैंक 84th एंड 83rd रिस्पेक्टिवली, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड ने एक एमओयू साइन किया है विद द आईआईटी मद्रास फॉर द मरीन स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम के लिए। अभी देखो इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। एन एग्रीमेंट हैज़ बीन इंक बिटवीन द केरला बेस्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास तमिलनाडु टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स इन द मैरिटाइम सेक्टर। अंडर दिस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टार्टअप्स अप टू ₹50 लाख एज अ सीड ग्रांट। सीड ग्रांट मतलब अभी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा जो चाहिए स्टार्टअप्स को, उसको बोलते हैं सीड ग्रांट्स। ₹1 करोड़ एज अ प्रोटोटाइपिंग ग्रांट्स, मतलब प्रोडक्ट का डिज़ाइन वगैरह कंप्लीट हो गया जस्ट, लेकिन उसको चेक करने के लिए जो प्रोटोटाइप बनाया जाता है, बराबर ना, तो उसके लिए 1 करोड़ तक का फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इक्विटी फंडिंग, राइट। मतलब उसके शेयर्स के अंदर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बराबर ना, राइट। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात चल रही है। और कौन से स्टार्टअप्स को, तो जो स्टार्टअप्स को आईआईटी मद्रास ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, राइट, तो वो स्टार्टअप्स को यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, 50 लाख का एज अ सीड ग्रांट और 1 करोड़ एज अ प्रोटोटाइपिंग ग्रांट। लेकिन वो स्टार्टअप कौन से सेक्टर के अंदर काम करती होनी चाहिए, मैरीटाइम सेक्टर के अंदर, बराबर। तो मैरीटाइम सेक्टर के जो स्टार्टअप्स है उसको यहाँ पे बात चल रही है, बराबर ना, राइट। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक्चुअली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसूस करके, और उस उसूस के अंदर उसने एक कमिटमेंट किया है कि वो 50 करोड़ का कॉर्पस प्रोवाइड करेगी फॉर द स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम के लिए, बराबर। स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए वो कितना पैसा उसने एलोकेट किया है, 50 करोड़ रुपया, और उसके लिए उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है उशूस, बराबर ना, एक स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम है उसका, बराबर ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उशूस किसका है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वही कंपनी है फ्रेंड्स जिसने इंडिया का पहला इंडिजनसली डेवलप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, बराबर ना। और उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है, INS विक्रमादित्य। आप बहुत टाइम पहले हमने ये न्यूज़ कवर की थी, INS विक्रमादित्य को बनाने वाला कौन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ही है। और उसी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसूस, जहाँ से वो स्टार्टअप को मदद करना चाहती है, और उसके लिए उसने 50 करोड़ रुपया फंड एलोकेशन किया है, और उसके लिए उसने IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है सीड फंड प्रोवाइड करने के लिए और प्रोटोटाइपिंग फंड प्रोवाइड करने के लिए, जस्ट सिंपल, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स SOTR कलेक्शंस के बारे में, ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल 2023 उसके बारे में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र इमर्ज एज द लार्जेस्ट स्टेट इन द स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस बिटवीन द अप्रैल टू सितंबर 2022। अप्रैल टू सितंबर 2022 में अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल 2023 का फर्स्ट हाफ, तो इस पीरियड के दौरान महाराष्ट्र वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट बना है जिसका स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स का कलेक्शन है वो सबसे हाईएस्ट रहा है, कितना, 1,15,211 करोड़, बराबर ना, राइट। महाराष्ट्र के बाद सेकेंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश जिसका 1,02,687 करोड़ है, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु जिसका है 68,638 करोड़, बराबर ना। तो आपको टॉप थ्री स्टेट्स याद रखना है जिन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर कितना रखा है अपना टैक्स रेवेन्यू,
सबसे ज़्यादा किसका है? महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, बराबर ना? महाराष्ट्र का जो ये टैक्स रेवेन्यू है, अगर हम लास्ट ईयर के सेम पीरियड की बात करें तो 42% ग्रोथ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ में भी महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे ग्रोथ पे है केरला, 41%, बराबर ना? राइट, तो ग्रोथ की अगर बात करें तब भी महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे केरला है, लेकिन अगर टोटल कलेक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, बराबर ना? ओके, अगर मैं एसओटीआर की बात करूँ कि स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसओटीआर ग्रोथ इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थी स्टेट फाइनेंसिस एज अ हायर ऑन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस मीन्स लेसर डिपेंडेंस ऑन द सेंटर फॉर द डिवोल्यूशन एंड द ग्रांट। जितना स्टेट का खुद की इनकम ज़्यादा होगी उतनी वो सेंटर के ऊपर कम डिपेंडेंट रहेगी, बराबर ना? तो उसको सेंटर की तरफ से ग्रांट्स वगैरह कम चाहिए होगा, बराबर ना? राइट, तो ये स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? तो स्टेट जीएसटी आती है, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस आती है, सेल्स टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी आती है, लैंड रेवेन्यू आता है, और सम स्टेट कुछ अदर टैक्सेस भी लगाते हैं। तो ये सभी एसओटीआर के अंदर काउंट होते हैं। सबसे ज़्यादा कलेक्शन किसका हुआ है? महाराष्ट्र का, बराबर ना? हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी ने अनवेल किया है लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। अभी आपको पता है कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी होस्ट करने के लिए जा रहा है 2023 के लिए, मतलब 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। अभी तक किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी, बराबर ना? इंडोनेशिया के पास से हैंडओवर मिलके अब इंडिया को हो रहा है, बराबर ना? ओके, और G20 के अंदर शेरपा का कॉन्सेप्ट होता है, बराबर ना? मैंने आपको पहले भी बताया है। तो G20 के शेरपा इस बार कौन है? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत जो पहले नीति आयोग के CEO थे, बराबर ना? तो ये अमिताभ कांत, मतलब ये G20 के सभी मीटिंग्स के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? अमिताभ कांत करेंगे, बराबर ना? जो डिसीजंस वगैरह लेने हैं वगैरह, पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करनी है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि G20 के अंदर कितने कंट्री है, 19 कंट्रीज और एक यूनियन यूरोपियन यूनियन है, बराबर ना? और उसके अलावा G20 के शेरपा है अमिताभ कांत, बराबर ना? तो इसके बारे में बात करते हैं कि अगर मैं G20 की बात करूँ कि G20 इज अ लीडिंग फोरम फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑन द ग्लोबल स्केल, इट अकाउंट्स फॉर द ओवर द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बराबर? वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसमें से 2/3, मतलब 66.66% पॉपुलेशन तो G20 कंट्रीज के अंदर ही रहती है। वर्ल्ड के अंदर जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें 75% तो इन कंट्रीज के बीच में ही होता है, और 85% ऑफ द वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP वो 85% कंट्रीब्यूशन ये 20 कंट्रीज़ का ही है। तो इतना पावरफुल ग्रुप है। अगर मैं G20 मेंबर्स की बात करूँ तो कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, US एंड UK एंड यूरोपियन यूनियन, बराबर ना? 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। इंडिया इज करंटली अ मेंबर ऑफ द G20 त्रोईका। अभी G20 त्रोईका भी एक कॉन्सेप्ट है G20 का। तो G20 त्रोईका के अंदर कौन कौन बैठता है? तो फॉर एग्जाम्पल इस साल मतलब 2021-2022 की जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी, बराबर। 2023 की किसके पास आने वाली है? इंडिया के पास, बराबर ना? और 2021 की किसके पास थी? तो 21 की थी इटली के पास। तो ये इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, ये तीनों तीन वो G20 त्रोईका के मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं। त्रोईका की मीटिंग्स के अंदर कौन बैठता है? कि इस बार जिसके पास प्रेसिडेंसी है वो अगले साल जिसके पास आएगी वो, और जो अगले साल जिसके पास थी वो, ये तीनों तीन कंट्रीज यहाँ पे G20 त्रोईका की मीटिंग्स के अंदर बैठती है, बराबर ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। G20 लोगों की अगर मैं बात करूँ, G20 का हमने लोगो रखा है अपनी प्रेसिडेंसी ईयर के दौरान, तो हमने लोगो में क्या रखा है कि लोटस एक हमारा जो नेशनल फ्लावर है इज पेंटेड इन द ट्राई कलर। ट्राई कलर के अंदर हमारे कौन कौन से कलर होते हैं? सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, और एक चौथा कलर भी रखा है ब्लू, टूगेदर विथ एन इमेज ऑफ द अर्थ, बराबर ना? तो द अर्थ सिग्निफाइज इंडियाज प्रो प्लेनेट कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इन द परफेक्ट हार्मनी विद द नेचर बाय द लोटस फ्लावर सिग्निफाइज द ग्रोथ ओवर द ऑब्स्टेकल्स, बराबर? तो ये अर्थ और लोटस फ्लावर क्यों रखा है? तो इसके यहाँ पे सिग्निफिकेंस हमने प्रोवाइड की है। उसके अलावा G20 का जो खुद का ग्रुप का लोगो है उसके नीचे हमारी जो प्रेसिडेंसी ईयर है
तो एक साल के लिए भारत भी लिखा जाएगा, राइट। उसके अलावा G20 की जो हमने थीम रखी है हमारे प्रेसिडेंसी ईयर की, क्या रखी है, वसुदेव कुटुंबकम, राइट। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। अगर मैं G20 वेबसाइट की बात करूं तो पीएम ऑल्सो अनवील द वेबसाइट फॉर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, www.g20.in। और G20 ऐप भी हमने लॉन्च की है, द G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑन द बोथ द एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स इन एडिशन टू द वेबसाइट, बराबर ना। तो ये हमने G20 के प्रेसिडेंसी दौरान जो जो चीज़ हम करने वाले हैं तो वो सभी तक पहुँचे, इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडियन नेवी ने अभी पार्टिसिपेट किया इन 26 मलाबार नवल एक्सरसाइज इन द जापान, राइट। तो अभी रिसेंटली जो फोर नेशन और क्वाड्रिलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज 26 मलाबार नवल एक्सरसाइज अभी स्टार्ट हुई है, कहाँ पे, जापान के अंदर। तो आपको पता ही है कि मलाबार एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्री के बीच में होती है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस के बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। और इन कंट्रीज़ को कौन सी कंट्री माना जाता है, क्वाड कंट्रीज़, क्वाड कंट्रीज़। तो ये क्वाड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, ये चार कंट्री जो क्वाड कंट्री जिनको माना जाता है उनके बीच में नवल एक्सरसाइज होती है, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, मलाबार एक्सरसाइज। तो अभी इस बार कहाँ पे हुई है, जापान के अंदर, 26 एडिशन, बराबर ना। अगर इस नवल एक्सरसाइज के अंदर अगर हम इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो दो शिप हैं, एक तो इंडियन नवल शिप INS शिवालिक जो एक मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, और इंडियन नवल शिप कमोर्ता जो एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। और उसके अलावा एक एयरक्राफ्ट P-81 एयरक्राफ्ट भी शामिल हुआ इंडिया की तरफ से मलाबार एक्सरसाइज के अंदर। और कमांडोज की बात करें तो मरीन कमांडोज जिसको मार्कोस बोलते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आपको इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, INS शिवालिक, INS कमोर्ता, P-81 एयरक्राफ्ट और मार्कोस के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है, बराबर ना। अगर मैं मलाबार एक्सरसाइज की बात करूँ तो मलाबार एक्सरसाइज 1992 से स्टार्ट की गई थी, और जब ये स्टार्ट की गई तब इंडिया और यूएस के बीच में ही होती थी, लेकिन 2015 के अंदर जापान भी इसके अंदर ऐड हुआ, तो 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हुआ। मतलब अभी मलाबार एक्सरसाइज चार कंट्रीज़ के बीच में होती है, और कौन सी चार कंट्री, तो क्वाड कंट्री है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं क्वाड कंट्रीज़ की बात करूँ तो मैंने आपको ये बताया चार कंट्री है, लेकिन कुछ टाइम पहले वेस्टर्न क्वाड कंट्री भी अनाउंस की गई थी, वेस्टर्न क्वाड कंट्री। तो वेस्टर्न क्वाड कंट्री के मेंबर कौन कौन है, तो I2U2, तो इंडिया, इज़राइल, यूएस और यूएई, ये वेस्टर्न क्वाड कंट्री है। उसके अलावा क्वाड कंट्रीज के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, 2+2 मिनिस्टर्स मीटिंग, 2+2 मिनिस्टर्स मीटिंग कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में होती है, तो 2+2 मिनिस्टर्स मीटिंग है ना वो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और रसिया, ये चार कंट्रीज़ के बीच में होती है। अभी देखो यहाँ पे क्वाड कंट्रीज़ में से तीन कंट्री तो है लेकिन जापान नहीं है, जापान की जगह पे कौन है, रसिया। तो 2+2 मिनिस्टर्स मीटिंग ये चार कंट्री के बीच में होती है, और 2+2 मिनिस्टर्स मीटिंग के अंदर दो मिनिस्टर होते हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, बराबर ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली जस्टिस DY चंद्रचूड़ टेक्स द ओथ एज अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनको DY चंद्रचूड़ के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अभी शपथ ली है एज अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। प्रेसिडेंट इंडिया द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर द ओथ एट द ब्रीफ सेरेमनी हेल्ड एट द राष्ट्रपति भवन। तो उनको शपथ किसके द्वारा दी गई, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट है, बराबर ना। तो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं DY चंद्रचूड़, बराबर ना। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, उन्होंने रिप्लेस किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित, जो हमारे 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बराबर ना, उनको रिप्लेस किया है। अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूँ तो आर्टिकल 124(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया
कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124(1) क्या बोल रहा है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए और उसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। आर्टिकल 126 क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब एक्टिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई काम से बाहर गए हैं तो एक्टिंग, अथवा कोई बीमार हो गए हैं बहुत टाइम लंबे समय से तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक टेम्पररी पर्पज़ के लिए, बराबर ना। तो वो आर्टिकल 126 के अंदर में लिखा हुआ है, राइट। और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अंडर द क्लोज टू ऑफ द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बराबर ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 124 के क्लोज टू के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है तो आप जज होने चाहिए हाई कोर्ट के मिनिमम 5 साल तक, या तो फिर आप एडवोकेट होगे कोई हाई कोर्ट के मिनिमम 10 साल तक, फिर भी चलेगा। मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 65। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 65, बराबर ना। तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डी वाई चंद्रचूड़, और एस्टेब्लिश कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू।